हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्वांटम नंबर के बारे में स्टडी किया था। क्वांटम नंबर क्या था? हमारे पास फोर टाइप्स के थे। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, जो हमें शेप और साइज के बारे में बताता है। सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर था, जो हमें इसके एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर का सेकंड नेम क्या था? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था। और थर्ड हमारे पास था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमें शेवशेल के बारे में बताता था, जिसे हम ML से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नेक्स्ट स्पिन क्वांटम नंबर था फोर्थ, जो जिसे हम MS से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बारे में बताता होता था। तो वही आज हम पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें ये क्या बताता है? नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स। कह रहे जो हमारे पास कोई भी मान लो एक एटम है, एटम के अंदर क्या है? टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके कह रहे फोर क्वांटम नंबर होते हैं जो, तो कह रहे उनमें जो फर्स्टली एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों कभी भी सेम नहीं होंगे। जैसे कि हमारे पास था एन है, जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल है और मैग्नेटिक है। इन दोनों के अंदर, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ये दोनों सेम है, पर क्या है जो हमारे पहले तीन तो सेम हो सकते हैं, लेकिन लास्ट जो फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर, इसमें क्या है? देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में तो प्लस हाफ है, सेकेंड एस में क्या है? सेकेंड इलेक्ट्रॉन में माइनस हाफ है। तो पाउली ने यही बोला था कि जो टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास एक एटम के अंदर, अगर टू इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके क्या हो सकते हैं? फर्स्ट थ्री क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन फोर्थ तो क्या होगा? डिफरेंट होगा ही होगा। फोर्थ कभी भी सेम नहीं होगा। पहले तीन हो सकते हैं पर फोर्थ कभी भी सेम नहीं होगा। ठीक है बेटा, उसके बाद पाउली ने एक हमें स्टेबिलिटी का केस दिया था कि किसके अंदर ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। हमें पता है स्पिन के अंदर हमने पढ़ा है एक हाफ होता है प्लस हाफ, एक माइनस हाफ होता है। तो कह रहे ऐसे ही ये दोनों अगर ऊपर के अबव की तरफ होंगे एरो, तो ये क्या होंगे? दोनों ही इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी बेटा। अगर एक एरो अबव की तरफ होगा, एक बिलो की तरफ होगा, मतलब कि एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो वो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये भी हमें पाउली ने ही बताया था। ठीक है, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट देखो यहाँ पे जैसे ये टेबल है, मैंने ये आपको बता ही दिया, अभी सेम यही बताया था। नेक्स्ट हमें पाउली ने क्या दिया था? ऐसे शवशैल के बारे में बताया है कि उसके अंदर वन इलेक्ट्रॉन होते हैं और सॉरी वन ऑर्बिटल होती है और टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ये हमारे पास है एस है, सबशेल है, और इसके अंदर क्या है मेरे पास? एक ऑर्बिटल है और ऑर्बिटल के अंदर टू क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। नेक्स्ट वन इज पी। पी पी हमारे पास क्या है? शवशेल है। इसके अंदर क्या होंगी? थ्री ऑर्बिटल्स होंगी और थ्री के अंदर क्या होंगे? सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि हमारे पास एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो थ्री ऑर्बिटल्स के अंदर हमारे पास क्या होंगे? सिक्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट वन इज डी। डी के अंदर हमारे पास क्या होंगे? एक दो तीन चार पाँच, तो फाइव ऑर्बिटल्स होंगी। ठीक है, और क्या होंगे? फाइव के अंदर टेन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है बेटा। ऐसे ही एफ शवशेल के अंदर देखेंगे, एफ शवशेल के अंदर क्या होगा हमारे पास? फोर्टीन फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सेवन क्या होंगी? ऑर्बिटल्स होंगी। क्लियर है बेटा। ये हमारे पास क्या था? पाउली का जो था, हमारे पास पाउली ने जो हमें दिया था एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, वो था। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे टेबल भी दी हुई है ये कंप्लीट। जैसे हमारे पास क्या होते हैं? फोर शेल्स होते हैं, के एल एम एन, और ऐसे ही ये हमारे पास सब शेल दिए हुए हैं आगे, वन एस, टू एस, टू पी, थ्री एस, थ्री पी, थ्री डी। ओके, ये हमारे पास सारे शेल्स दिए हुए हैं, जैसे जो हमने मैम कल मैम ने समझाए भी थे, जैसे एन की वैल्यू वन है, एल की वैल्यू जीरो है, एम की वैल्यू जीरो है। ओके, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? टू इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास ऐसे ही ये नंबर ऑफ शब शेल निकालने का, एंथ सेल शेल में है तो एन फॉर्मूला होता है, ऑर्बिटल्स निकालने 2l+1 होता है, अगर सब शेल्स निकालने हैं इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं सब शेल के अंदर, तो 2 × 12+1 फॉर्मूला होता है, मतलब कि 2l+2 फॉर्मूला हमारे पास होता है। ठीक है, तो उसी के साथ हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। पहले क्या होते हैं, जैसे सेम इसमें दिए हुए हैं, हमारे पास ये स्मॉल टेबल भी मिली है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास है कि के अंदर कितने कितने हैं, एन होते हैं, फिर उसके बाद एन स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं? एन स्क्वायर। जैसे के अंदर वन प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एन स्क्वायर है,
तो ए वन होंगे, तो टोटल कितने होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। सेम ऐसे एल के अंदर शेल क्या है, शेल नंबर क्या है, एल है, और तो उसके अंदर शेल नंबर्स कितने होंगे, 2 होंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल एन स्क्वायर करेंगे तो 4। ऐसे सेम शेल सिंबल कौन सा है, एम, शेल नंबर कितना होगा, 3rd, 3rd इलेक्ट्रॉन होगा ना। फर्स्ट देखो, फर्स्ट शेल में होता है हमारे पास के, उसके बाद होता है एल, फिर एम, तो ऐसे ही क्या होगा, 1, 2, 3, 4, उसके बाद उनका एन का स्क्वायर करते रहेंगे, 1, 4, 9, 16, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, कि के अंदर 2 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 18 होंगे, फिर 32 होंगे, सो ऑन, ऐसे हम का आगे निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भी हमारे पास ऐसे ही रजे न्यूमेरिकल हैं ये, जो मैम ने कल बताए थे, लिस्ट ऑल द वैल्यूज ऑफ एल एंड एम फॉर एन इज इक्वल टू, अगर आपके पास एन क्या है, 2 है हमारे पास, तो एल और एम की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, वो हमें पता ही है, एल 0 है, एम 1 है, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, एम की वैल्यू क्या होगी, -1, 0, +1। ठीक है ना बेटा, क्लियर है? अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हो आप। थैंक यू।